ओम नमः शिवाय। कैसे मेरे प्यारे वीडियो फैमिली, और आज है रिंग सेरेमनी का डे। चलो पापा, तभी 7:41 हो रहे हैं। पापा लेके जा रहे हैं नींबू की चाय, और ये रहे हमारे बाबूजी। कैसे बाबूजी नहीं आओ बाबूजी हो गए। तो ये हमारी माता श्री कितने काम में व्यस्त है। मम्मी कैसे हैं आप? आज नहीं करोगे मैं मुझे राम 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 जी सबको, राम राम जी सबको, है ना मम्मी? कितनी चाय नहीं थी पापा ने, सिर्फ 7 कप नहीं, नींबू चाय, नींबू के चाय के। जा, किसको देना है मम्मी जी? पूरी का डंडी ना जा। ओके, सुबह हम बना रहे हैं पूरियां। तो सबसे पहले मैं जिम जाके आ गया, तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया, तो मम्मू मेरे पे थोड़ा थोड़ा नाराज हो गए सुबह सुबह। सो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चला है यहाँ का। तो यहाँ पे चला है सारा सब्जी वगैरह काटने का काम यहाँ पर, और यहाँ पे बन रही है पूरी। इसने निकलेंगे ना कल जी? कद्दू के पेठू, और यहाँ पे गोभी की सब्जी, आलू की सब्जी, और यहाँ पे बनेगी पूरियाँ। तो ये रिफाइंड अंकल जी ने यहाँ पे डाल दिया है। राम राम पंडित जी, राम राम जी, राम राम भाई। पापा सुबह सुबह नींबू की चला नींबू की चाय बहुत अच्छी और सही होती है। तो यहाँ पे सारा काम चल रहा है, और दूध छाछ लग पड़े आने। नमस्ते दाऊ जी, दे दो थाऊ जी छाई जो भी। रुका लेनी है थाऊ जी, रुको। ठीक है, ठीक है। तो छाछ के लिए बाल्टी, मम्मी जी छाछ के लिए बाल्टी दीजिए, छाछ के लिए बाल्टी दीजिए मम्मी जी। ऊपर ये भी तेरी बाल्टी, इसको लो दूध को। मैं एक भी अपने भाई के पापा जी ने ठीक है, ओबरे से कोई बाल्टी लेके दे दी चाचा। रखा था जी तुम, ये इस बाल्टी को ले लिया जाए। तो दोनों चीज़ें साथ में करनी पड़ती, काम भी करना पड़ेगा, ब्लॉगिंग तो एडजस्ट करें। हाँ साथ में, ठीक है दाऊजी। सुन तो मैं डोलू भी आता दाऊजी तुम्हारा, रुका अच्छा ये थी, ठीक है ना? चाय के लिए कुछ ढक्कन लेना पड़ेगा। बाल्टियों के ढक्कन है पापा, हैं कुछ ढक्कन वगैरह दीजिए। नहीं नहीं, ये तो कोटी मैचिंग के पापा थे अपन, यहाँ पे नहीं है। अखबार तो ये अखबार बाल्टी के ऊपर रखने के थोड़ा काम आ जाए। तो ये इसका, तो यहाँ पे कद्दू पेठू सारे छिल जाते हैं। नमस्कार भैया, कैसे हैं? भोलू भैया हैं, मिस्त्री जी हैं, और सारे चाचू ताऊ सभी काम में मैं लगे हूँ। जाने ताऊ जी, ताऊ तुम कह रहे मैं ऊपर दिखना चाहिए ना, तो मैं ताऊ जी का ढोलू लेके आता हूँ सबसे पहले। चलो तो आज का ब्लॉग आप एडजस्ट करना, थोड़ा भागम दौड़ वाला होगा। लेकिन क्या करना है, अपना काम भी करना जरूरी है। भैया की खुशी भी है कि रिंग सेरेमनी है। हाँ जी मम्मी, इस पर क्या लिखी था देखिए? ये है विजय। हाँ तो ये इस पर नहीं है किचन, इस पे कुछ नहीं है। कने ये इस डोर पर भी देखिए, इस पर भी लिख रहा है कि कुछ खा पर ही खा पर ही बस ये खुद हमने खा के नहीं, इस पर कुछ मिल खोया। ये यहाँ रहे हो ना, इस पर कुछ लिखो ये इस रही ना ना वहाँ ही ना रही है यार, ये हर स्टिक कर, यहाँ स्टिक कर थोड़ी। हाँ पुराने पिस्टल करने होने, ये कौन है डोलू दे ही था बोल ले तुम्हारे, एक जैसे डोलू तो रोने में दूध दे रही है आंटी, वैसे दूध लेना पड़ा हमें आना थी है बोलने लिया है चाचू ने लिया। अच्छा चाचू ने लिया, चाचू नहीं लिया, चाचू ने आना था है। हाँ अब क्या करना है मम्मी, छाए जो बाल्टी भी रखी थी मैंने, दूध भी आ गया। सुना ना होना तू,
बात सुन लंगा पांच खाली ना हो तू पराउने आना फिर मैं अंदर घंटा पाना तू नहू जा जाने फटाफट तेरे कपड़े जे मैं ले रखने हो तो मशीन ना छपाया नहू जा फिर मैं नहू ना आप ना पैसा तो ना आई मानू आना फिर एड़ा थोड़ी नहीं होता मेरे को नहाने को 10 मिनट लगे ना स्टैंड है जी आंटी रे गाला नहीं नहीं दूध लेके आई आंटी ये ले लिया ये दूध का बड़े पतीले भैया को भी मैं आपको दिखाता हूँ चलो रखे ताऊ जी डोलो ठीक ऑल ओके ये किसका है आपका चाचू हो रहा है अखबार रख दे करना चाचू हो रहा है ओके ट्यून भी बन के रेडी हो चुकी है बस ये जलेगा सिस्टम इधर के इधर सो फिलहाल मॉर्निंग के लिए एक अच्छा सा ब्लॉग एक ब्लॉग बन जाएगा और फिर इसके बाद जब आएंगे वो हमारे घर तब मैं भी दोस्तों के पास दे दूंगा तो अभी भैया और सौरभ को कॉल किया कि यार पधारो दोस्त हो टाइम से आओ साथ में अच्छा लगता है मिलजुल के काम हो जाता है ना ये लीजिए आंटी जी आपका डोलू आंटी से आते ही बर्तन साफ ईच बनाई करनी है थोड़ा बट्टा आ रही है सर मैं बोले आ दे रही यो मैं भी तैयार हूं नमस्ते मेरा मन ले ला गया लाड़े यार लाड़ा और क्या मासी ईच करा और वो तो कप नहीं तरह अपने कमरे क्या करना हां ले आऊं सुनो कप लिए ने अपने कमरे दा ये रखे नहीं थे मान कर दिया मैंने साफ तो मम्मी का थोड़ा एंग्री मूड आएगा तो इग्नोर करिएगा काम में कुछ आता है कप लेके आएंगे सो आज पहली बार मेरे रूम में शायद इतनी सफाई यहाँ पर दिख रही होगी आपको मे भी सब सिस्टम सही से कर दो कोई गूंज नहीं दिखनी चाहिए शायद लड़की वाले पहले भी ब्लॉग देख रहे होंगे लेकिन इट्स ओके बिजी होंगे शायद वो भी काम तो इस पानी के कप को मैं लेके जाता हूँ लाइट ऑफ तो सुबह जिम भी जाके आ गए मुझे बड़ी खुशी हो रही है भाई ताऊ जी भी आ गए तो बारी हाँ जी ताऊ जी एक मिनट ठीक है डैडी जी ठीक है तो ताऊ जी हमारे पहले ना साथ में रहते थे हमारी जॉइंट फैमिली थी तो छोटे छोटे थे तो ताऊ जी को डैडी बोलते थे तो तब से थोड़ी आदत भी बन गई है होता है ना जब जॉइंट फैमिली होती है तो सब बड़े पापा छोटे पापा वैसे वैसे चीज़ें होती हैं ये लीजिए ताऊ जी ने दिया पकड़ो डैडी जी ने बड़े पापा जी ने मुंडा कैमरे से सर एक छाती लगाने आप सोचते चला लेंदा गोप्रो लाए ये लाने ही लग चल हैं कुछ रे बड़े पापा कौन होते हैं तेरा तो कोई भी नहीं होना छोटे पापा आपको सबसे बैठी रहा चाचे ताऊ जी हैं ताऊ तो क्या होया मम्मी बोले लाई है आ रही है तो गाड़ी ला रही है देखिया मैं बोले हां दो पार जाए देखो जरा नहीं लगवाऊं तो आई दा और बूटे में दिल नहीं है पहली मासी बोलो बोले किछ नहीं होया ना देखिया ये तो आटा लगी रहा बिल्कुल हां चल अपुर आज के मम्मी तो आए हैं
चल ठीक है ठीक है। क्या गलाने यार बड़ी कुछ नहीं, रिस्पेक्ट इज्जत देनी चाहिए। इससे ऐसा मम्मी थोड़ी सी इज्जत जाएगी कभी यार, कुछ नहीं कई बार रहता है सबको इज्जत है गांव में। बोलता है 30 गलेड़ियां नहीं उंदला नित्री गलाई दे मेरी समझाई मत बंद कर देने दसी दे ओए तेरे नहीं है जो कोई गला रहा नहीं तिया और तो बड़ा तंग मच्छर। हां जी बच्चा ये डब्बे दे खाली कर ले। लो लवली भाई साहब खाली करो फटाफट करो खाली फटाफट करिए खाली काम। तो मैं फटाफट नहाऊंगा उसके बाद काम करूंगा और अगला ब्लॉग उसके बाद है। वो डालो बड़े बर्तन में भैया दोले जी। आपको बता दो डैडी जी ने दिया ये इकट्ठे भाई दो कोई गाय का अलग बर्तन में डालिए फट दादा नहीं है तो ये फसल काम चलता रहेगा। मैं नहा के आता हूँ अगला काम बाद में। हाँ जी हाँ जी लग रहे दो जल्दी डोलो भाई ये लो। मैं नहा के आता हूँ मम्मी जी तब तक ये सन्नू भाई मेरे पापा रहे सन्नू ठीक है ठीक है जो ठीक है ना दास। चलो यार रेस्ट मेरा परमेश्वर इस पानोड़ू भरे हकार। तो फिलहाल मैं नहा के आता हूँ अदरवाइज मेरी ब्लॉगिंग बंद हो जाएगी घर में बैन कर देंगे। हर हर महादेव जय शिव शंभू।